मॉर्निंग. टुडेज अवर टॉपिक इज पोएम नंबर फर्स्ट ऑफ आवर सिलेबस बुक फ्रॉम गोल्डन रेस. इट्स ऑन पेज नंबर 143 एंड नेम ऑफ द पोएम इज रिस्क. इट इज रिटन बाय जने रेड. फर्स्ट ऑफ अबाउट द पोएम, रिस्क इज अ मोटिवेशनल पोएम. Every act to be done by human beings anticipates risk. This is a motivational poem. तो ये एक motivational poem है और ये कह रही है कि हम जो भी करते हैं, human beings के द्वारा जो भी work किया जाता है, किसी भी प्रकार की action की जाती है, तो उसमें कोई ना कोई risk तो रहती है. Hope may result into despair and life into death. हो सकता है कि जो अपन कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो हमारी होप के अकॉर्डिंग ना हो सकता है लाइफ का जो है वो डेथ हो जाए. रिस्क इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ लाइफ. रिस्क जो है वो हमारी लाइफ का एक इंटरगल पार्ट है, यानी कि हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से में रिस्क है. We can say that life is full of risk and to overcome fear one needs courage. तो हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो पूरी की पूरी रिस्क से भरी हुई है और हमें अगर इससे जीतना है, इससे बाहर आना है, तो क्या चाहिए? करेज चाहिए. Success is all about having the courage to take risk. Success अगर चाहिए तो क्या करना होगा? हमारे अंदर रिस्क लेने की करेज होनी चाहिए, रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए. द पोएम गिव्स अ मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू टेक रिस्क इफ दे वांट टू अचीव समथिंग. व्हाट इज इट सेइंग? कि इफ यू वांट टू गेट समथिंग इन योर लाइफ देन यू हैव टू टेक रिस्क. यू शुड टेक रिस्क. यदि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है, तो आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी. इफ वी डोंट टेक रिस्क देयर इज अ चांस ऑफ अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ बट वी विल बी मिसिंग सो मच. यदि हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, इफ वी विल नॉट टेक रिस्क, इफ वी डोंट टेक रिस्क, तो हम सोरो से, पेनफुल सिचुएशन से तो बच जाएंगे. हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, कुछ करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो देंगे. विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग. यदि हम रिस्क नहीं लेते हैं तो कुछ भी सीखेंगे नहीं. हो सकता है रिस्क लेने से, हम रिस्क लेते हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑपोजिट आ जाए, जो हमने सोचा है वैसा ना हो. लेकिन अगर रिजल्ट ऑपोजिट भी आएगा तो हम उनमें से कुछ ना कुछ तो सीखेंगे. वी विल लर्न समथिंग टुडे. मे बी वी नॉट गेन अकॉर्डिंग टू आवर होप बट वी विल लर्न समथिंग टुडे. नाउ कम ऑन द टॉपिक रिस्क. टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटीमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, to expose feeling is to risk exposing your true self, to please ideas and dreams before a crowd is to risk being called name. What he is saying? कि to laugh is to risk appearing the fool. If you laugh forward someone, then what he will say? He is a fool. He is laughing. Without reason. To weep is to risk appearing sentimental. If you weep forward someone, then what will he say? He is the sentimental. He is the emotional fool. He always weep without reason. How fool you are. You are now in the age of 20, 23, 24. बड़े हो गए हो, अभी तक रो रहे हो. तो पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि आप किसी के सामने हंसते हो तो वो क्या कहेगा?
कि ये कितना कैसा मूर्ख आदमी है, बिना मतलब के हंस रहा है। यदि आप किसी के सामने रोते हो तो भी कहेगा कि ये कैसा इमोशनल फूल है, इतना बड़ा हो गया, इतना हट्टा कट्टा शरीर है और फिर भी रो रहा है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। यदि आप किसी और की कोई हेल्प करते हो, इफ यू आर रेडी टू हेल्प समवन इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी और की हेल्प करते हो तो भी लोग क्या कहेंगे कि क्या फालतू लोगों के बीच में आ जाता है तेरा, जब कोई लेना देना नहीं इससे तो क्यों उसकी हेल्प कर रहा है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। किसी को अपनी फीलिंग बताना उसमें भी रिस्क है कि वो आपके बारे में सब कुछ जान जाएगा और हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपको ब्लैकमेल करे आपकी फीलिंग के बेस पे। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम। यदि आप अपने आइडियाज को, अपने ड्रीम को किसी के सामने बताते हो कि मैं इन द फ्यूचर ये करूंगा, ये करूंगा, तो क्या कहेंगे कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, लाइफ है क्या, इसको तो बिल्कुल कुछ भी एक्सपीरियंस ही नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस पर्सन है। टू लव इज टू रिस्क नॉट इन लव इन रिटर्न। टू लव इज टू रिस्क नॉट इन लव इन रिटर्न। टू लाइव इज टू रिस्क डाई। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उसमें भी रिस्क है। हो सकता है जिसको आप पसंद करते हो सामने वाले से वो मिले ही नहीं, जितना आप उसको पसंद करते हो सामने वाला आपको पसंद ही ना करता हो, जितना आपके मन में उसके लिए प्रेम है वो सामने वाले के मन में हो ही नहीं, ये भी रिस्क है। टू लाइव इज टू रिस्क डाइंग। जीवन जीना भी एक रिस्क है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक दिन तो मरना है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। किसी भी चीज की होप करना, किसी को लेकर उम्मीद करना, उसमें भी रिस्क है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो डिस्पेयर हो जाए। क्यों? जिससे हम उम्मीद करें हो सकता है वैसा मिले ही नहीं, रिजल्ट जो आएगा वो उससे ऑपोजिट भी हो सकता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। हम जो कोशिश करते कर रहे हैं, हम किसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कोई काम करने की, कोई न्यू कुछ भी बिगिनिंग करने की, तो हो सकता है उसका जो रिजल्ट है वो भी फेलियर हो। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। नाउ ही इज सेइंग कि इफ यू लव समवन, इफ यू लव forward someone, he will say you are fool. If you will forward someone, he will say you are emotional fool. If you involve in someone's matter, he will say you are involvement. If you expose your feeling, he will say he will know everything about you. If you place your ideas, if you share your ideas, your dream to some dream with someone, he will say you are dead, you have lack of experience of life. If you love someone, then maybe he or she will not love you like you. If you lie, then there is a risk of dying. If you hope to someone, there is a risk of despair. If you try to begin something new, maybe the result will be failure. But रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क करते। लेकिन कुछ भी हो जाए, रिजल्ट बड़ी कुछ भी आए, रिजल्ट से मतलब नहीं है, रिजल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन हमें रिस्क तो लेनी ही है। ये सोच के कि रिजल्ट इसका ऑपोजिट आएगा, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी ना करें, रिस्क तो लेना ही है। विदाउट रिस्क कुछ भी नहीं है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज नथिंग इज नथिंग एंड बिकम नथिंग। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज नथिंग इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, ना तो वो कुछ करता है, ना उसके पास कुछ होगा और ना ही वो कुछ बनेगा। ही विल बी जीरो इन द फ्यूचर इफ ही विल बी नॉट That means he will be zero in the future.
Maybe now in present condition he is separate. Now in present condition he is safe. He has no sorrow, no painful condition. He is happy. But if he will not take, if she will not take, if a person will not take this, then in the future she will be zero. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, heal, change, grow, love, life. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, heal, change, grow, love, life. हो सकता है आज वो सौरों को अवॉइड कर ले, आज वो दुख से नहीं गुजरे हो, आज वो दुख को अवॉइड कर ले, बट इन द फ्यूचर दे कैन नॉट लर्न, ना तो वो कुछ सीख सकते हैं, दे कैन नॉट फील, ना ही वो कुछ महसूस कर पाएंगे, दे कैन नॉट चेंज, वो अपनी लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं कर पाएंगे, दे कैन नॉट ग्रो, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एंड दे कैन नॉट लर्न. जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो कोई आपसे लव भी नहीं करेगा, फिर चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपकी फ्रेंड्स हो या अदर रिलेटिव्स हो. अगर आप सक्सेस हो तो सारी दुनिया हमारी है, यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमारा भी कोई भी नहीं होगा. यू कैन नॉट लाइ, और जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर लाइफ तो पूरी फिर डिस्ट्रॉयड हो ही जाएगी. Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. So chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. जिन लोगों ने खुद को एक fixed boundary में बांध रखा है कि हमें तो बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा ना कर रिस्क लेनी है, जो है हमारे पास उतना काफी है. दे आर स्लेव, तो वो क्या है, गुलाम. दे आर स्लेव, दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर स्लेव ऑफ कंडीशन. दे हैव फॉरफेटेड देयर फ्रीडम. ओनली अ पर्सन हु रिस्क इन ट्रू लिबर्टी, तो वो लोग क्या है, लास्ट वो फ्रीडम के, वो उनकी वो जो आजादी नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है, जो लोग अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग बंधे हुए हैं, जितना है उतना काफी, हमें अब कुछ भी नया नहीं करना है. ओनली अ पर्सन हु रिस्क इन ट्रू लिबर्टी, जो व्यक्ति हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है, हु ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क, ही इज ओनली ट्रू लिबर्टी. जो व्यक्ति हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है, सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति रियल में इंडिपेंडेंट है. तो व्हाट वी लर्न टू दिस पोयम, द पॉइंट इज सेइंग टू अस, वी हैव टू बी ऑलवेज रेडी, वी हैव टू बी ऑलवेज रेडी, वी शुड ऑलवेज टेक रिस्क. इफ यू वांट टू चेंज आवर लाइफ, इफ यू वांट टू गेन समथिंग इन आवर लाइफ, if you want to love to someone, if you want to get love to someone, if you want to achieve something in our life, then we have to take a risk, we should take risk, because risk is the important part of our life, risk is the important part of our life, risk is an integral part of our life. Without risk we can't get something, without risk we can't achieve something in our life. If we can't take risk, if we can't do anything. If we can't take risk, we can't achieve anything. Risk is an important part of our life. Our topic is complete.